हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस बार बिहार डीएलएड में एडमिशन लें तो अप्लाई करना चाहते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे, तो इस वीडियो को देखकर आप पूरी जानकारी पा सकते हैं कि आपको अप्लाई किस तरह से करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जो भी मेरे नए मेहमान हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना है fastjobsearch.com, जो कि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें इसी साइट का उपयोग किया था। आप जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जहाँ से भी भरना चाहते हो, आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं, fastjobsearch.com आ गया है। तो यहाँ पर हम जैसे ही सर्च का ऑप्शन टिप करते हैं तो यहाँ पर देखिए एरर दिखा रहा है। आपको यहाँ पर क्या करनी है, लास्ट वाला .com को हटा देनी है, अब सर्च करनी है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला साइट ओपन हो जाएगा, फास्ट जॉब सर्च, ठीक ना। तो इसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन करते हैं तो आपका एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको डीएलएड का अप्लाई करने के लिए सबसे नीचे आ जानी है, यहाँ पर सिलेबस, आंसर की और यहाँ पर एडमिशन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डीएलएड एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है डीएलएड वाला साइट ओपन हो जाता है। इसका इम्पोर्टेंट जो भी डेट दिया गया है, 20 से अप्लाई शुरू किया गया लेकिन 20 से स्टार्ट नहीं हुआ, 22 से स्टार्ट हुआ और 16 मई तक चलेगा और मेरिट लिस्ट इसका 30 मई को जारी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो होगा 19 छः को जारी किया जाएगा और इसमें 100 रुपया टोटल फी लगता है, मिनिमम एज 17 वर्ष होनी चाहिए। टोटल सीट आपका दिखाया जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज के अनुसार। जैसे कि आप मुजफ्फरपुर से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर करें, पटना से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर करें और वैशाली से चाहते हैं तो यहाँ से, यदि आप चाहते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करें, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करें तो आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। जैसे बेगूसराय है, बिशनपुर है और जैसे भागलपुर है, बनका है, तो इस तरह से आप अपना जो है जो भी है डिस्ट्रिक्ट उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मधुबनी है तो मधुबनी के लिए अभी एक्टिव सून लिखा रहा है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है। नवादा के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो आपका जो है नवादा वाला साइट खुल जाएगा। तब आपको यहाँ से प्रोसेस अपनानी है, इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, आप उसे देख करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज हम लोग ओपन करते हैं पटना के लिए। यदि आप पटना से हैं तो आप किस तरह से फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो चलिए यहाँ पर पटना के लिए हम क्लिक हेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जोन वाइज भी दिया गया है, जैसे कि मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली है तो जोन वाइज किया गया है। तो यहाँ पर पटना में टोटल 350 सीट है और सब चीज़ तो सेम ही रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए और 50 मार्क्स के साथ, यानी कि आपका इंटर में 50 मार्क्स होने चाहिए। यदि आप ST SC PWD से हैं, कैंडिडेट हैं, तो 5% आपको इसमें छूट मिल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 200 सीट दिया गया है DIT में, 200 सीट दिया गया है PTEC में और 150 सीट दिया गया है PTEC। ये जो है बरह के लिए है, अलग अलग जगह के लिए है, उसी तरह से महेंद्रू के लिए 150 सीट दिया गया है। तो यहाँ पर हम DIT के लिए अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक हेयर पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ स्टेप अपनाने होंगे, जैसे ही यह जो है साइट कभी कभी काम नहीं करता है, हो सकता है नहीं खुले, तो आपका कुछ जब खुलेगा तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा DIT पटना बिरकम के लिए। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 स्टेप में आपका यह अप्लाई संपन्न हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना होगा, उसके बाद जब नंबर जनरेट हो जाता है तो आपको क्लिक हेयर पेमेंट करना होगा, क्लिक हेयर पर क्लिक करके। इसके बाद लास्ट में आपको अप्लीकेशन ऑनलाइन करना होगा, जहाँ पर आपको फोटो वोटो जो भी मांग सकता है और आपको प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। और नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया है जहाँ से आप डायरेक्ट जो है, जैसे चाहते हैं महेंद्रू से अप्लाई करें तो यहाँ पर डायरेक्ट साइट दे दिया गया है, आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो है सबसे पहले OTP जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक हेयर करना होगा आपको।
क्लिक हेयर जैसे करते हैं तो आपका यहाँ पर जो है OTP जनरेट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले आपको इसमें अपना नाम भरना है, फादर्स नेम भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है और मोबाइल नंबर डिजिट 10 अंक का डिजिट नंबर का जो है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भर देनी है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर भरते हैं और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो डाले हैं यहाँ पर उस पर आपको टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको लिख लेना है और जैसे ही लिख लेते हैं तो आपको यहाँ पर टेम्पोररी नंबर का यूज करना है फिर से। तब दूसरा स्टेप में आना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो इसके लिए क्लिक हेयर कीजिए। आप अपने घर बैठे पूरा काम कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चालान भी आप अपने घर बैठे कटवा सकते हैं। तो दूसरा स्टेप में आपको चालान भरना है, यहाँ पर जो है एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है आपको, इसको टिक कर दीजिए और प्रोसेस पर क्लिक कीजिए। तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है, यहाँ पर आपको पेमेंट का कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, एप्लीकेशन फी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रहा होगा क्योंकि जूम नहीं हो रहा है यहाँ से, तो मोबाइल नंबर भरिए। यहाँ पर टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको फर्स्ट स्टेप में मिला था वो आपको यहाँ पर भर देनी है और ₹1 आपका यहाँ पर कट जाएगा एप्लीकेशन फ़ी। रिमार्क में आपको जो भी देना है रिमार्क दे सकते हैं कि हम एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर रहे हैं इसके लिए DLED के लिए, तो यहाँ पर रिमार्क आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको पुनः अपना नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरनी है और यहाँ पर जो आपको कुछ कैप्चा मिल जाते हैं इस कैप्चा को भर लेना है। जैसे ही आपका सब चीज़ सही है तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका पेमेंट का ऑप्शन जो है खुल जाएगा। डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपने मोबाइल से OTP प्राप्त करके पेमेंट क्लियर कर लीजिए। तो जैसे ही पेमेंट आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर और एक बार बैक आ जाइए, थर्ड स्टेप को अपनाना है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आते हैं यहाँ पर आप क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं आपका तीसरा स्टेप ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले मांगा जा रहा है अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए जिसका साइज होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, यानी कि 100 KB का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, JPEG नहीं, JPG फॉर्मेट में आपको मांग रहा है। सभी कॉलेज का अपने अनुसार से फॉर्मेट बनाया हुआ है, कोई जो है एक ही स्टेप में टोटल डिटेल ले लेता है, कोई जो है 3 स्टेप में अपना अपना डिटेल लेता है, तो इस तरह से सभी कॉलेज का अपने अनुसार से लिया जा रहा है। यहाँ पर आपको जो है अगर फोटो अपलोड करनी है तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा एक बात का, जितना भी चीज़ अभी बता रहे हैं आप इसको सबसे पहले मोबाइल में स्कैन करके रख लीजिए। जैसे फ़ोटो हो गया और आपका जो है जैसे कि मार्कशीट सब जो भी मांगा जाएगा आगे बता देंगे हम, उसको आप पहले स्कैन करके रख लीजिए ताकि आपको अभी दिक्कत ना हो फॉर्म फिल करते समय। तो चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ पर आपका फ़ोटो है वहाँ से आप जो है यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर फ़ोटो ले लेंगे, फ़ोटो जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो हम पासवर्ड दे देते हैं और आपका फ़ोटो ओपन हो जाता है। तो फ़ोटो जैसे ही ओपन होता है इसमें से हम कोई फ़ोटो ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे ही ये फ़ोटो ले लिए हम तो आपका यहाँ पर जो है फ़ोटो आ जाएगा। तो फ़ोटो जैसे ही आ जाता है सपोर्ट ले लेगा, 51 KB का है तो ये तो ले ही लेगा। यहाँ पर आपको वहीं फिर से टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका आपने पेमेंट किया था वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उस समय आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है या फिर DU नंबर भी बोलते हैं उसको, या फिर PO नंबर भी बोलते हैं सर, तो यहाँ पर वो नंबर आपको डाल देना है। जैसे ही वो नंबर आप यहाँ पर डाल देते हैं तो DU नंबर जैसे ही आप यहाँ पर डालते हैं SBI द्वारा, तो यहाँ पर आपको नीचे सब्जेक्ट चूज कर लेना है, कैंडिडेट नाम आपका, यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सेम चीज़ आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर कैटेगरी डाल दीजिए, आप EBC हैं, OBC हैं, जिस कैटेगरी में हैं, और डिजेबिलिटी मतलब आप मतलब कि हैंडीकैप हैं, विकलांग है तो जिस तरह से है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अप्लाइंग फॉर उर्दू के लिए हैं तो यहाँ पर उर्दू के लिए सेलेक्ट कीजिए यस, अगर नहीं है तो नो कर लीजिए। आर यू परमानेंट रेसिडेंट और बिहार, यदि आप यहाँ पर मांगा जा रहा है आप बिहार के हैं परमानेंट
निवासी तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यहाँ पर अगर बिहार से आप नहीं हैं तो यहाँ पर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, केवल यह बिहार के लिए है। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है वो भर दीजिए। यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड भर दीजिए, यानी कि ब्लॉक का पिन कोड होता है शायद, वो पिन कोड भर दीजिए। आपका क्रोस्पोंडेंस एड्रेस आपका जो भी है जहाँ पर आप रहते हैं सेम एड्रेस भर दीजिए, वहाँ का पिन कोड भी भर दीजिए फिर से वहीं, यानी कि दोनों में आपको सेम चीज़ भरनी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन आपका क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ग्रेजुएशन, इंटर पास हैं तो इंटर कर लीजिए, और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल डाल दीजिए। यदि आप मैट्रिक पास किए हैं जहाँ से तो मैट्रिक पास यहाँ पर हम दे देते हैं। हाँ, यदि आप मार्क दर्शाना चाहते हैं मैट्रिक का तो मार्क, यदि CGPA बेस्ट पर दर्शाना चाहते हैं अपने मार्क तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर मार्क ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मार्क्स डालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही आप मार्क बेस्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपका नहीं खुलेगा, वैसे खुल भी जाता है तो यहाँ पर आपको नहीं भरना है कुछ। तो यहाँ पर जो है आपको CGPA ऑब्टेंट ओनली फॉर CGPA कंडक्ट, यानी कि आपका तो मार्क बेस्ड है यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको नहीं भरना है कुछ। मैट्रिक परसेंटेज CGPA ओनली CGPA कैंडिडेट्स, तो इसको भी आप नहीं भरिए, केवल इस ऑप्शन को आप भरिए कि आपका कितना मार्क्स आया हुआ है। जैसे ही आप इसको भर लेते हैं, यानी यहाँ पर लिखा हुआ भी है ओनली फॉर कैंडिडेट ऑफ बोर्ड्स बेस्ड ऑन मार्क्स बेसिस, जैसे कि बिहार बोर्ड में मार्क्स दर्शाता है, परसेंटेज दर्शाता है, तो आप टोटल मार्क यहाँ पर भर दीजिए जो भी आया है। यहाँ पर नीचे में जो भी मार्क्स आप प्राप्त किए हैं उसको भरिए, और इस ऊपर वाला में यहाँ पर आपको टोटल मार्क भरना है। जैसे 500 यहाँ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 500 दे देंगे, 500 मार्क का होता है। और यहाँ पर जो है कितना मार्क उसमें प्राप्त किए हैं वो भर दीजिए। जैसे ही आप इसको भर देते हैं, इसके बाद आपका परसेंटेज पूछा जा रहा है तो परसेंटेज भर दीजिए। यहाँ पर कितना परसेंटेज होता है, फुल मार्क भर दीजिए। इंटर में, इंटर में आपका टोटल मार्क कितना था, उसमें आपने कितना प्राप्त किया इस सेकंड में, उसको भर दीजिए। और इसमें सब कुछ सेम है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैट्रिक का रोल नंबर मांग रहा है, मैट्रिक का रोल नंबर, रोल कोड दोनों यहाँ पर भर दीजिए। जैसे ही आप इसको फिलअप कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से इंटर का जो है रोल नंबर, रोल कोड भरना होगा, ईमेल आईडी सेम भरिए। और यहाँ पर ध्यान रखना होगा, एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। और यहाँ पर पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि डिजिट आपको पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर यानी कि व्हाट्सएप नंबर पूछा जा रहा है आपको। ये भी एक नया फैकल्टी ऐड किया गया है जो कि आपको व्हाट्सएप नंबर पूछा जा रहा है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट अभी आप अपलोड कर रहे हैं ध्यान में रहे, इस डॉक्यूमेंट को आप सबसे पहले ही मतलब कि स्कैन करके रख लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो आपको फ़ोटो स्कैन करके रख लेना है, मार्कशीट का जो है 100 KB के अंदर JPEG फॉर्मेट में आपको मैक्सिमम साइज 100 होना चाहिए KB, वो स्कैन करके रख लीजिए, उसको आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद जैसे ही है अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा, आपका जहाँ भी रखा होगा वहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको इंटर का मार्कशीट उसी तरह से स्कैन कर लीजिए। यहाँ पर आप जो है सर्टिफिकेट, यदि आप रिजर्वेशन से हैं, कोई भी रिजर्वेशन कोटा STSC वगैरह से हैं तो उसको, उसका यदि आपको है तो सही है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर रेसिडेंटल बिहार का आपका आवासीय जो होता है उसका स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। अब आपके द्वारा दिया गया जानकारी सभी सही है तो इस बॉक्स को आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको फुल सिग्नेचर आपको मांगा जा रहा है जो कि आपको स्कैन करके रख लेना है JPEG फॉर्मेट में। इसका जो है मिनिमम साइज फाइल साइज में होना चाहिए, जो भी हो 20 KB के अंदर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नीचे, इसको इसमें डाल देना है, भर देना है। जैसे ही भर देते हैं वेरिफिकेशन कोड, इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि नीचे आने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका टोटल फॉर्म यहीं से एक ही बार में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये था आपका लास्ट प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए था, और दो प्रोसेस, एक था टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि प्राप्त करने के लिए और दूसरा था पेमेंट करने के लिए। इस तरह से आप यहाँ पर लास्टली सबमिट करके, जैसे ही सबमिट करते हैं आप इसको स्कैन करके रख लीजिए,
यानी कि पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लीजिए या प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिए, जब भी आपका एडमिशन होगा तो उसमें आपको यह वेरी वेरी यूजफुल होगा। तो इतना प्रोसेस था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जो है सपोर्ट कीजिए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम एक एक कमेंट का जो है रिप्लाई देंगे आपको, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आती हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करके सपोर्ट करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।